जय हिंद बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच क्लास टेंथ का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो देखिए, करा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, यानी कि यह जो क्वेश्चन पत्र है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया है। अब करा वार्षिक परीक्षा 2022-23 मॉडल प्रश्न पत्र सेट वन विषयनिष्ठ दिया है। वर्ग 10 है, कक्षा गणित है, सॉरी विषय वर्ग 10 विषय गणित, पूर्णांक 40, समय 1.5 घंटा। अब सेक्शन ए में दिया है कि नहीं 5 प्रश्नों को हल करना, जिसमें एक में दिया है कि यदि HCF 657.306 = 9 है तो LCM ज्ञात करना। LCM निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना, 657 × 306 को, और फिर क्या इसको 9 से डिवाइड कर देना। तो 9 से 9 देखिए 9 × 27 = 36, और 657 × 34 करें तो हमारा आएगा 22338। नंबर 2, करवा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4/1 है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला आता है -b/a, ठीक है। अब -b/a का मान कितना दिया, 4, कुछ ना 1/2 हम नीचे दे दिए, और फिर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला आता है c/a, यानी इसका मान 1 है। ये हमारा संयोगों का योग, ये हमारा संयोगों का गुणनफल। अब यहाँ देखते हैं, ए का मान 1 है, ए का मान 1 है, मतलब बराबर है। अब हमारा इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, होता है ax² + bx + c = 0। ax² ए का वैल्यू कितना है, 1, ax² + bx, बी का वैल्यू क्या है, देखिए -4 आ जाएगा, तो -4x, अब प्लस सी, सी का मान कितना है, 1, यानी इसका मान निकलेगा x² - 4x + 1। ये हुआ। नंबर 3 में कह रहा है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण, देखिए ये हमारा समकोण, ये समकोण है ABC में, और यहाँ दिया कौन B, यहाँ A ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, और क्या इसमें दिया है कि AB = BC, तो सिद्ध करना है AC² / 2BA² है। देखिए पाइथागोरस परिमेय से इधर से हमारा हो जाएगा कि AC² = इधर से AB², और नीचे क्या हो जाएगा, +BC², AC² / AC², और AB² / AB², देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है कि AB = BC, या तो BC = AB, यानी कि BC के बदले में क्या लिख सकते हैं, AB² या देख लीजिए AC² = AB² मिलकर हो गया 2AB², ये हमारा हो गया प्रूव्ड। नंबर 3 कह रहा है कि बिंदुओं AB और -AB की दूरी ज्ञात करें। दूरी का फॉर्मूला देखिए, ए शुरू वाला होगा x1 y1, ax2 ay2। दूरी का फार्मूला होता है √√x2 − x1² + y2 − y1² देखिए x2 के मान यहाँ कितना है, -a, अब -x1 a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y2 यानी -b, और -b का स्क्वायर होगा ये -a −2a² और जो −2b² दोनों 4a² और 4b², 4 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा a² अच्छा 4a² + b² 4 का वर्गमूल कितना, 2√a² × b² ये इसका होगा आंसर। एक दो ये 3 निकला, 4 निकला, 5 में 2 tan² 45 का मान होता है 1, यानी कि 1² + sin² 30, यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -cos 60, इसका भी मान 1/2 का स्क्वायर होगा। देखिए 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में, दोनों कट जाएगा, ये बच जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 × 1, पर कितना निकलेगा, 2×1=2। 5 क्वेश्चन इसमें हमारा हो गया, और यदि इसमें हमको प्रायिकता निकालना है 7 नंबर में, 7 बल्बों में 4 बल्ब खराब है, तो कुल बल्ब कितना है, कुल बल्ब है 40, 4 खराब है, खराब कितना है 4, इसलिए अच्छा कितना बचेगा, 20 में 4 खर्च, चल लो। अब देखिए अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा होने की प्रायिकता कहते हो, अच्छा हम कहते हैं 16 बटे 20, 4 16 4 5 20, 4/5,
उसके बाद एक और है अच्छा ना होने की प्रायिकता, अच्छा ना होने की प्रायिकता, अच्छा नहीं होगा तब कते होगा, अच्छा नहीं है खराब है चार, चार बटे बीस, चार के चार, चार पचे बीस, एक बटे पाँच आएगा। नेक्स्ट है ग्राफीय विधि से हल कीजिए इसको, नौ नंबर। तो यदि इसमें हम एक्स और वाई लेते, देखिए एक्स में यदि हम इसमें जीरो बैठाते हैं तो वाई का मान क्या निकलेगा इसका, माइनस टू निकलेगा। और यदि इसमें वाई में जीरो बैठाते तो एक्स का मान एक निकलेगा, वाई में जीरो बैठते एक्स का मान एक। एक बार फिर बैठाते हैं, इसमें यदि एक्स का मान जीरो लेते हैं तो वाई का मान निकलेगा माइनस फोर, अगर वाई का मान जीरो लेते हैं एक्स का मान निकलेगा एक, यानी कि हमारा ग्राफीय विधि से यह बनेगा। यह है एक्स, यह है वाई, एक्स डैश वाई डैश कितना तक गया हमारा, देखिए चार तक, यानी हम यहाँ एक लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे और चार, एक दो तीन चार, यहाँ भी एक दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार, नीचे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार। अब एक्स में हमको जीरो लेना है, एक्स के एक्स में जीरो लेना है तो एक्स के लाइन में जीरो हमारा ये हुआ, वाई का वैल्यू कितना है माइनस टू, तो वाई में माइनस टू कहाँ है देखिए नीचे यहाँ है। और फिर एक्स में लेना है एक, एक्स में एक, वाई में जीरो, मतलब ये हमारा गुजरेगा इधर से। टू में देखते हैं एक्स का जीरो, जीरो यहाँ आएगा, वाई का माइनस फोर, वाई का माइनस फोर ये निकला। और फिर क्या है एक्स का वन, एक्स का वन ये है, ये फिर यहाँ से गुजरेगा, ये हमारा ग्राफीय विधि से हल। अब क्वेश्चन कह रहा है उस एपी का 31वां पद गया, इसमें 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, 11th टर्म 11वां पद बराबर कितना है 38। 11वां पद का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 10d बराबर 38। और फिर कह रहा है इसमें 16वां पद 73 यानी कि 16th टर्म इक्वल टू 73, 16वां पद होगा ए प्लस 15d बराबर 73। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, ए प्लस 10d बराबर 38 और ए प्लस 15d बराबर 73। समीकरण एक, समीकरण दो, इसको घटा दो, सॉरी घटाने पर ये एक कट जाएगा, 10 में 15 खर्च माइनस 5d और 38 में 73 खर्च, मतलब 13 में 8 खर्च 5, 6 में 3 माइनस, माइनस में हो जाए प्लस, यानी कि डी बराबर होगा 7, डी बराबर 7 और डी का मान समीकरण एक में रखने पर एक क्या है हमारा ए प्लस 10d बराबर 38, ए का मान है ए 10 के 10, डी का मान है 7 बराबर 38, ए के ए 38 के 38 इधर 10 प्लस सॉरी 10 से 70 प्लस में माइनस 40 यानी कि ए बराबर निकलेगा माइनस 32। ठीक है, अब इसका निकालना है कितना 31वां पद, 31वां पद बराबर ए प्लस 30d, ए का मान देखिए कितना है, ए का मान माइनस 32 प्लस 30 गुना डी के मान कितना है 7, माइनस 32 को माइनस 32 प्लस 7 तिया 210, इसमें जब घटाएंगे तो 178 बचेगा, 178 इसका आंसर होगा। दस, ग्यारह नंबर, ये त्रिभुज का शीर्ष है ये बी सी, ए का मान कितना है एक और माइनस एक, बी का मान माइनस चार और छः,
सी का मान माइनस तीन और माइनस पाँच, ये हमारा हो गया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। अब इसमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वन बाय टू इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री टू एक्स टू वाई थ्री प्लस वाई वन एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, इसका होता है फार्मूला। वन बाय टू को वन बाय टू, एक्स वन एक्स वन का मान देखिए एक ब्रैकेट में, वाई टू वाई टू का मान छः माइनस वाई थ्री माइनस पाँच माइनस पाँच प्लस पाँच इंटू एक्स टू का मान माइनस चार, फिर वाई थ्री का माइनस पाँच माइनस वाई वन, तो वाई वन माइनस एक तो हो जाए प्लस एक, फिर एक्स थ्री का मान माइनस तीन, फिर वाई वन का मान माइनस एक माइनस वाई टू के मान माइनस छः। एक बटे दो के दो एक के एक छः और पाँच कितना हो गया ग्यारह। एक में पाँच खर्च माइनस चार माइनस तीन और छः एक माइनस सात, यानी कि एक बटे दो इधर ग्यारह का ग्यारह चार जगह प्लस सोलह हो जाएगा गुना करने से, सात या प्लस इक्कीस हो जाएगा आठ, दो तीन चार अड़तालीस बटे दो, यानी कि एक बटे दो हो गया और ग्यारह और सोलह सत्ताईस और इक्कीस अड़तालीस दो से कटेंगे एक अड़तालीस वर्ग मात्रक। अब है बारह नंबर सिद्ध करना है, तो साइन ए इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इसमें क्या करना है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठा देना, यानी कि इसका होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए भी हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको राइट साइड का भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, केवल एल एच एस ले रहे हैं, केवल एल एच एस का काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दोनों का मान होगा एक, उसके बाद इसको देखें दो के दो ये साइन ए जो कोसेक के उल्टी हो जाएगा एक बटे साइन ए, यहाँ बच जाए कोसेक स्क्वायर ए प्लस दो के दो कोस के कोस ए सेक सेक के बदलेगा एक बटे कोस ए में प्लस सेक स्क्वायर ए दोनों कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा वन को वन प्लस टू टू दो के दो, अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ फिर दो बच गया और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए दो तीन दो एक तीन तीन एक चार चार दो छः छः और एक कते हो गया छः एक सात सात हो गया, उसके बाद बच गया प्लस इधर कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा हो गया अप्रूव्ड। ए हमारा निकला बारह नंबर,
अब 13 नंबर में क्या है, एक घड़ी कि मिनट की सुई, ये हमारा घड़ी है, मिनट की सुई की लंबाई इसका आर का मान है 14 सेंटीमीटर, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि घड़ी जो है पूरा 360 डिग्री कोण बनाती है, कितना 60 मिनट में, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कौन बनाती है, इसलिए 1 मिनट में क्या आ जाएगा 360/60 6 डिग्री, इसलिए 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 6×5=30 डिग्री। अब हमको निकाला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 3/360×πr², थीटा मतलब 30, 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 14×14 ये आएगा, ये कट जाएगा 12 बार में, 2 से 6 बार में, 11 बार में, 2 से 6, 2 से 7 बार में, ये 7 7 कट गया, बच जाएगा 154/3 cm². इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।